ये मुस्कान। अरे मुस्कान, ओ भाई साहब आइए, मैं सुना बंबई से, हाँ मैं मिलना चाह रहा हूँ। ये चप्पे, मैं मिलना चाह रहा हूँ। वो सो रहे क्या? सोने की फुर्सत कहाँ, वो तो चाची जान को छुड़ाने थाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटा है। जाइए जाके देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे। बंद रही मेरी बला से। अरे इतनी खतरनाक औरत अल्लाह किसी को भी न दे, वो दिन भर काय 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 करती रहती है, उसकी वजह से मैं दिल का मरीज हो गया हूँ। हाँ तू तो जानती तेरी चाची को, वो पुरानी चिल्लन है वो। हाँ मेरे को क्या बोलती है रात को पता है? बोलती है जा पानी चुरा के लेके आ, अभी गांव में पानी खत्म, तो बोलती है जा कल्लन खान की बावड़ी में से पानी चुरा के लेके आ। तो मैं बोला नहीं, तो वो बोलती है ना आता ना जाता, तबला बजाता, घर में बैठ के हलवा खाता। और क्या बोली मालूम? क्या बोली? ना मर्द, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उसके लिए मेरे को उसके साथ जाना ही पड़ा। तो जाके सच्चाई बोलिए इंस्पेक्टर साहब को और माफी मांग लीजिए कल्लन खान से। या मेरे को पागल कुत्ते ने कहा था कि आके हम उधर जाओ। तो मैं इस चक्की देखती क्या हो रहा है वहां पे। मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूं। काहे को ताला, काहे को? ताकि अगर पुलिस वाले आए तो वापस चले जाए। मेरे को बहुत भूख लगी है, आमलेट बनाता आमलेट। भाईजान, भाईजान। क्या? वो मैं क्या कह रही थी कि दिन में तो ठीक है, पर रात को यहाँ अंधेरे में मेरे जेठ के साथ अकेले, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? रात को तो जानवर के भी अरमान जाग जाते हैं, फिर अरमान भाईजान तो अकेले हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएंगी। मेरा एक काम कर दो ना, वो चूहे मारने की दवा ला दो, मैं खा करके चुपचाप सो जाऊँगी, सुबह को जमींदार से बाहर भिगवा देना। चुप बैठ, अब अगर तू ज़्यादा बोली ना तो दर्दों वाला मलम तेरी आंखों में डाल देता मैं। इनकी मुराद पूरी कर दो हवलदार साहब। साहब मुस्कान, मुस्कान हमको बाहर निकालो। मुस्कान, तू इधर काहे को आई? हम मेरे अब्बा को ऐसे कैसे बंद कर सकते? कौन से कानून में लिखा है कि एक बेकसूर को बंद कर दिया जाए और मुजरिम खुलेआम घूमे? तू मेरे को कानून समझाती? कानून नहीं समझाती मैं, सच्चाई बता रही हूँ। आपको इनकी नहीं रमान चाचा की तलाश है, उन्हों घर पे बैठे। घर पे बैठे? हाँ, इनको छोड़िए और चल के उनको गिरफ्तार कीजिए। तू झूठ नहीं बोल रही ना? कुरान उठा सकती मैं। रुस्तम। हाँ सर। रामिया छोड़ दो उसको। और मेरे को? इस सलमा बानू रुमाली को नहीं, जाओ इन दोनों के साथ जाओ और उसको पकड़ के लाओ, और उन्हें नहीं मिला तो इन दोनों को हथकड़ी पहना के लाओ। हमें तो लूट लिया दिल के हुस्न वालों ने, काले काले गालों ने। जा जा जा। भाई साहब गले नहीं मिलेंगे भाई साहब? अरे क्या मेरे भाई साहब, मेरे भाई साहब। इंद्रा बाबू। अरे कटवा भागा, अरे क्या कटवा भागा, अरे भैया पकड़ लिया। अरे अरे तेरी जाके जाके ना छोड़ ना कोसा ना। मेरे को क्या दिखाई तू करने को? हाँ अरमान जी, आपकी फाइल आई है हमारे पास, आज खेत की जांच के लिए आ जाएंगे। आज सर कितने बजे?
हाँ रानी। हेलो दिलबर जानी। बोलो क्या कर रहे थे? एक ही तो काम है आजकल तुम्हारी याद। सुनो ना, सुबह से बात कर माया। तुम कभी शांत नहीं हो सकते क्या? एक मिनट, आप अभी तक गए नहीं? आपने बताया नहीं कितने बजे आएंगे आप? अब कितने बजे आएंगे ये तो नहीं बता सकते। कह दिया जब आ जाएंगे तो आ जाएंगे। हैं? अब बारात तो लेके नहीं आएंगे, अब जाइए। क्या हुआ, किसे डांट रहे हो? समझती हूँ ना कैसे चट्टान टाइप के लोग आते रहते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी। बोलो। अब बड़े हो सकते हैं। क्या? देखो अभी 28, 28, 38 है ना। ऑपरेशन के बाद 38, 28, 38 हो सकते हैं। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अरे तुम भी याद करती हो यार, थोड़ी बार बार आ जाओगी तो उसका एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग आनंद लिया जाएगा, समझा करो ना यार। हैं जी, कैसी बातें करते हो? तो बॉडी कहाँ पे तुमको खोदना है मियाँ? गुनिया बोला कि पानी यही निकलेगा। यहाँ पे 200 मीटर तक कोई और बावड़ी तो नहीं है उसका? 200 क्या साहब, 210 मीटर तक भी कोई बावड़ी नहीं है। अच्छा फाइल 40 मीटर गहरा, 3 डायमीटर का बावड़ी खोद दिया। जी साहब। ए, टेप निकाल। अरे रोज का काम है, इतना टाइम लगाता है? अरे अभी अभी करो ना, मार दियो भाई। हिला डाल खुद। गुस्सा बहुत है। हेलो बीबी जी, जरा इधर आएंगे मेरी मदद के लिए? डाल दी। कहाँ हूँ? बस एक चिरकुटाई वाला काम है, उसको खत्म करके तुरंत घर आ रहे हैं। कि मारे साहब रात पर सोई नहीं क्या? नहीं, चोरू आई है। अरे सुनो खुशखबरी, सैटरडे को सरकारी जीप का इंतजाम हो गया है, हैदराबाद घुमाने ले चलेंगे तुम्हें। हैदराबाद? हाँ, चाप के हनीमून करूँगा। अरे सुनो, डॉक्टरों से एडवाइजर ले लेंगे। डॉक्टर से एडवाइस किस बात की? अरे वो है, यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं तुमसे नहीं, लाजमेंट की। हर वक्त एक ही बात करते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा लगने लगेगा, हौले हौले से हो तो जाने दो। हाँ? के पास है ना होटल बुक के, स्विमिंग पूल वाला, समझ गई ना साहब। अच्छा हम रख रहे हैं, काम हो गया। अच्छा रानी बस ये पटाखे आ रहे हैं, चारों तरफ चुम्मा। बड़ी बावड़ी मुबारक अरमान मियां, बावड़ी तो खुद गई 500 रुपया। किस बात की? लैंड इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन फीस कोड नंबर 3। मगर वो तो पहले ही। ए भाले जाओ, समझाओ इनको। देखिए बीबी जी, फीस तो सबको देना पड़ता, उसके बाद ही इंजीनियर साहब रिपोर्ट लिखते, तब जाके पैसे आते। ठीक है, हमको इसका रसीद चाहिए होगा। चोर हम तुमको दिखाई दे रहे हैं, हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं। हैं क्या? एक तो जनार्दन बाबू के बोलने पर तुम्हारी ये सड़ी सी बावड़ी को हम इंस्पेक्ट करने के लिए आए, इतना समय अपना जाया किया। ए अबे ना, अपना तुम इंस्पेक्शन रिपोर्ट ले लेना, चल रे चल। अरे काय कुछ चलाते साहब, रसीद तो मांगी, क्या पूरा किया साहब? क्या है? सुनो, पहला इंस्टॉलमेंट मिलने पर 5 लोटा पानी मैं पीऊंगा। कितना? 5%। तभी दूसरे इंस्टॉलमेंट के लिए वेरिफिकेशन करने आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। सुनो समझदार इंसान लिखते, अपनी छोकरिया को समझाओ कि कैसे सरकारी लोगों से बात किया जाता है। बीबी जी आपने पूरा काम खराब कर दिया। अरे जा निकल यहाँ से। ओ बड़े साहब का तो हो गया, शुक्रिया शुक्रिया। अरे बड़े साहब साहब, अरे काम नहीं है, छोड़ दे क्या? मुड़ पिन क्यों इतना जोर से काटते हो, सुझा देते हो? स्लो काटेंगे। हाँ आ
शाह साहब, शाह साहब। तोते नहीं हूँ क्यों तुम? शाह साहब। आप मसरूफ है? अरे तू यहाँ कैसे आया? दुष्ट कहीं का मुंह दर घुमा दुष्ट। जी आप वहां चलो दरवाजे पे। बदतमीज, दरवाजे पे आओ, दरवाजे पे आओ। दूसरी खिस्त चाहिए थी, आप रिपोर्ट दे देते तो साहब। तुम अभी जाओ, वो फोटोग्राफर को कल मैं भेज दूंगा, फोटो खींच लेगा, मैं आके इंस्पेक्शन कर लूंगा, रिपोर्ट दे दूंगा। ठीक है साहब? साहब साहब साहब, लेकिन काम शुरू ही नहीं हुआ। दूसरी किस्त का जब 10 लोटा मेरे घर पहुंच जाएगा ना, तो रिपोर्ट मिलेगी, समझ गए? सर एक मिनट, मुझे क्या करना पड़ेगा? तुमको जाके फोटोग्राफर को बोलना है कि साहब ने मुझे भेजा है, मुझे पहले स्टेप का जो काम खत्म हो गया उसकी फोटोग्राफ दे दो। लेकिन साहब जब काम शुरू ही नहीं हुआ तो कैसे? अरे अजीब इंसान हो यार, मेरा नाम ले लो, तुमको जो चौथा स्टेप है जो नहीं हुआ ना उसकी भी फोटो मिल जाएगी। अब जाओ तुम। काम शुरू ही नहीं हुआ तो फोटो किसकी लेगा? ऐसे कैसे फोटुआ दे दूं यहाँ? अभी पहले स्टेप का काम शुरू नहीं हुआ और तुम आगे फोटुआ मांगने? करो ना अन्ना, अगर फोटो नहीं मिले तो दूसरी किस्त नहीं मिलेंगी, दूसरी किस्त नहीं मिलेंगी तो पहला स्टेप शुरू नहीं होगा, और पहला स्टेप शुरू नहीं होगा तो तीसरी किस्त नहीं लेनी, बहुत तकलीफ होगी। तुम भी ना यार परेशान कर डालते हो। ये लो पहले स्टेप के फोटोग्राफर, छांट लो दो कॉपियाँ, एक ऑफिस में जमा करो और एक अपने पास रखो। मगर हाँ, एक कॉपी का 1,000 रुपया लगेगा। कॉपी का 1,000? हाँ। मतलब 2,000? तो फिर अभी नहीं मेरे पास, तो दूसरी किस्त के बाद रख जाना। ये क्या साहब, मैं दूसरी किस्त के लिए भटकता रहा और वहाँ मेरे भाई और उनकी जोड़ू छूट के आ गए।